स्वागत है आपका IPL 2020 से जुड़ी एक नई और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो में। और दोस्तों यहाँ पर IPL 2020 में अभी तो बहुत ही ज्यादा समय बाकी है, लेकिन अभी से ही हमें खबरें आनी जो है वो शुरू हो चुकी है IPL 2020 की, और हर एक खबर हम आप तक जरूर पहुंचाने वाले हैं। यहाँ पर जो खबर है वो है कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम को लेकर, जहाँ पर दो बड़े बदलाव IPL 2020 से पहले KKR की टीम ने किए हैं। कौन से हैं वो बदलाव, बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो अगर आप भी IPL 2020 का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं तो इस वीडियो को जरूर एक लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं। दोस्तों बात करें अगर कोलकाता नाइट राइडर्स की, तो जब से यहां पर गौतम गंभीर ने इनका साथ छोड़ा है, कप्तानी छोड़ी थी, हटे थे टीम से, तब से इनका परफॉर्मेंस जो है उस लेवल का नहीं रहा जिस लेवल का गौतम गंभीर की कप्तानी में रहता था। जहां पर लास्ट दो साल की अगर बात करें तो 2018 में ये टीम प्लेऑफ्स में जरूर गई थी, लेकिन 2019 की अगर बात करें लास्ट ईयर की, तो लीग स्टेजेस में ही ये टीम जो है वो हो गई थी बाहर। ऐसे में चेंजेस की जरूरत थी इस टीम को, और दो बड़े चेंजेस जो है इस टीम ने कर भी दिए हैं। जहां पर सबसे पहला और सबसे बड़ा चेंज जो है वो है हेड कोच के पद को लेकर, जहां पर आपको बता दें कि कई सालों से जैक कैलिस जो है वो टीम के हेड कोच थे, लेकिन कुछ दिनों पहले उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, वो हट चुके थे KKR से। और यहां पर आपको बता दें कि ट्रेवर बैलिस को जो है नया हेड कोच नियुक्त किया है कोलकाता नाइट राइडर्स ने IPL 2020 के लिए। अब दोस्तों नाम आपको ये नया जरूर लग रहा होगा ट्रेवर बैलिस का, लेकिन रिकॉर्ड्स की इनकी अगर बात करें तो अभी वर्ल्ड कप 2019 का टाइटल जो जीती है वो है इंग्लैंड की टीम, और इंग्लैंड की टीम के इस समय ये हेड कोच हैं। तो बहुत ही बड़ा जो है ये नाम है यहाँ पर हेड कोच की लिस्ट में। इनके अलावा अगर बात करें तो दो बार जो कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम चैंपियन बनी थी पास्ट में, दोनों बार टीम के हेड कोच जो थे वो थे यहाँ पर ट्रेवर बैलिस। तो आप समझ सकते हैं कितना खतरनाक इनका रिकॉर्ड है पास्ट का, बहुत ही अच्छे ये हेड कोच रह चुके हैं। ऐसे में एक बहुत ही अच्छा फैसला ये कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम ने IPL 2020 से पहले किया है। इसके अलावा बात करें दोस्तों दूसरे चेंज की, तो दूसरा चेंज इन्होंने किया है बैटिंग कोच को लेकर, जहां पर साइमन कैटिस जो है वो टीम के पहले बैटिंग कोच थे, लेकिन यहां पर अपने पुराने स्टार खिलाड़ी ब्रेंडन मैक्कलम को जो है बैटिंग कोच की पद जो है यहां पर दे दिया है कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम ने। जी हां दोस्तों, ब्रेंडन मैक्कलम जो है वो बने हैं नए बैटिंग कोच कोलकाता नाइट राइडर्स के, साथ ही साथ मेंटोर भी बने हैं कोलकाता नाइट राइडर्स के। तो ये दो बड़े फैसले यहां पर KKR की टीम ने लिए हैं। ब्रेंडन मैक्कलम की अगर बात करें तो 5 साल इन्होंने KKR के लिए खेले हैं, जिनमें से एक सीजन में इन्होंने KKR की कैप्टेंसी भी करी है। और आपको सबसे पहले IPL का सबसे पहला मैच तो याद ही होगा, जहां पर 158 रनों की इनिंग ब्रेंडन मैक्कलम ने खेली थी, और अब यहां पर ये KKR की तरफ से हमें बैटिंग कोच का पद संभालते हुए नजर आएंगे, मेंटोर का पद संभालते हुए भी नजर आएंगे। तो ये दो बड़े फैसले यहां पर कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम ने लिए हैं IPL 2020 से पहले, और बहुत ही अच्छा ये फैसला है, चाहे वो हेड कोच का हो या फिर हो बैटिंग कोच का। जहां पर आपको हमने हेड कोच का रिकॉर्ड भी बताया, बहुत ही शानदार रिकॉर्ड है यहां पर हेड कोच का। अब देखने वाली बात होगी कि क्या फायदा यहां पर KKR की टीम को इस बड़े फैसले के साथ होता है। आपको क्या लग रहा है दोस्तों, क्या इन दो बड़े बदलावों के साथ एक अलग टीम KKR की नजर आ सकती है हमें IPL 2020 में? आप अपनी राय जो है वो कमेंट कर जरूर दें। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप नए हैं तो इसी तरह की और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं।